हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक जो कि रहेगा हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल पर। तो ये टॉपिक मैंने गूगल क्रोम से विकिपीडिया से लिया है, क्योंकि जब भी हम किसी बुक में पढ़ते हैं तो उसमें बस दो चार लाइन में ही बास्केटबॉल के हिस्ट्री को ख़त्म कर देते हैं। अब हिस्ट्री का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसमें डीप जाओ, कैसे आपको पता चलना चाहिए कि गेम कैसे बना। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट मैच की, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच की, अफ्रीकन अमेरिकन टीम की, एनबीए के बारे में बात करने वाले हैं, और हम लोग बात करेंगे कि जो ओलंपिक के मैचेस हुए वो कैसे स्टार्ट हुए, उनके पीछे क्या था, और कितने देशों ने मिलकर फीवा का गठन किया, उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर केवल एग्जाम की तैयारी होती है। तो बिना कोई देरी किए हम लोग चलते हैं वीडियो पर। विकिपीडिया हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। द हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल बिगन विद द इन्वेंशन इन 1891 इन स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स बाय कैनेडियन फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जेम्स नेस्मिथ एज ए लेस इंजरी प्रोन स्पोर्ट देन फुटबॉल। तो बास्केटबॉल स्टार्ट कब हुआ था? बास्केटबॉल 1891 में स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स एक जगह है जहाँ पर स्टार्ट किया गया था, और ये कैनेडियन फिजिकल टीचर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिनका नाम था जेम्स स्मिथ। और इन्होंने ये भी कहा कि फुटबॉल के अपेक्षा इसमें इंजरी के चांस कम रहते हैं। नेम्स स्मिथ वाज 31 ईयर्स ओल्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट। नेम्स स्मिथ 31 साल के ग्रेजुएट स्टूडेंट थे तब इन्होंने इस गेम का इन्वेंशन किया। अब इन्होंने इन्वेंशन क्यों किया, कैसे किया, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने बास्केटबॉल गेम का इन्वेंशन किया था जो कि 20वीं शताब्दी में जाके सबसे ज्यादा फेमस हुआ, ग्रीव वेरी पॉपुलर एज 20th सेंचुरी प्रोग्रेस। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम लोग एनबीए बोलते हैं, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। तो एनबीए की उत्पत्ति 1946 में हुई। अब देखेंगे अर्ली हिस्ट्री क्या थी इसकी, और इन्वेंशन ऑफ द गेम, गेम का इन्वेंशन हुआ कैसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुने तो हमेशा याद रहेगा। तो ये सब आपको पता है। डॉक्टर नेम्स स्मिथ ने दिसंबर 1891 में स्प्रिंगडेल मैसाचुसेट्स, और ये उस कंडीशन में बनाया था जबकि ठंड का मौसम चल रहा था एथलीट्स के लिए। तो इन्होंने क्या किया, YMCA एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल था जिसको कि अभी स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के नाम से जाना जाता है, अपने बॉस की रिक्वेस्ट पर जहां ये काम करते थे एक इंडोर गेम की स्थापना की। आप मान सकते हैं कि एथलीट्स को मदद करने के लिए एक इंडोर गेम बनाया जो कि ठंड से मदद करता था, कर सकता था। तो इन्होंने एक पीच बास्केट ले ली और एक सॉसर स्टाइल बॉल ले ली, ठीक है। फिर उन्होंने इसके 13 रूल्स भी बनाए जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, 18 स्टूडेंट्स को ले लिया जिनको कि दो भागों में बांट दिया, तो एक भाग में 9 स्टूडेंट्स आए, तो दो टीमें इस तरीके से बन गई। फिर इन्होंने क्या किया, जो फ्रूट बास्केट थी, एक कॉरिडोर था, आप ये कह सकते हैं कि आंगन टाइप का, तो वहाँ पर कॉरिडोर में बास्केट को ऊपर बांध दिया, और नीचे से ये लोग क्या करते थे, बास्केट में उस बॉल को थ्रो करते थे, जो बॉल बास्केट के अंदर चली जाती थी। तो बॉल बास्केट के अंदर चली तो जाती थी, अब प्रॉब्लम ये होती थी कि बॉल को लाने के लिए फिर इनको लेडर पर चढ़ के जाना पड़ता था, तो इसमें टाइम लगता था। तो इन्होंने क्या किया, जो बास्केट थी, बास्केट की बॉटम को थोड़ा सा इन्होंने उसमें होल कर दिया या छोटा सा छेद बना दिया, जिससे ये लकड़ी से डाल के जो भी बास्केट उसमें जाती थी तो उसको पुल कर देते थे, तो वो बास्केट से बाहर निकल के बॉल चली जाती थी। तो इन्होंने ऐसा किया। फिर बाद में क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब बार बार अगर हम लकड़ी से बॉल को पुल करेंगे तब ये बास्केट से बाहर आएगी, तो इससे अच्छा इन्होंने बास्केट के नीचे एक बड़ा सा होल बना दिया, ऐसा होल बना दिया कि बॉल खुद से निकल कर जमीन पर गिर जाए। तो इस तरीके से इन्होंने उस बास्केट को ऐसा बना दिया कि जब बॉल उसके अंदर जाती थी तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाती थी, इनको लैडर से लेने के लिए जाना नहीं पड़ता था। तो इस तरीके से इन्होंने इस गेम का इन्वेंशन कर दिया। अब बास्केटबॉल इसका नाम कैसे पड़ा वो आपको नीचे बताते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, आफ्टर ए वाइल द बॉटम ऑफ द फ्रूट बास्केट पर रिमूव्ड, जब उन्होंने बॉटम उसका रिमूव कर दिया तब बास्केट में जैसे ही बॉल जाती थी वो नीचे से निकल जाती थी, तो उनको बार बार लैडर पर नहीं चढ़ना पड़ता था। द फर्स्ट पब्लिक बास्केटबॉल गेम वॉज प्लेड इन स्प्रिंगडेल मैसाचुसेट्स ऑन मार्च 11, 1892। अब जो पहला बास्केटबॉल का मैच खेला गया था वो 1892 में स्प्रिंगफील्ड में खेला गया था मैसाचुसेट्स। अब इनके रूल्स क्या थे, 13 मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में। देयर वर ओनली 13 रूल्स ऑफ बास्केटबॉल, यहाँ पर इन्होंने 13 बास्केटबॉल से रूल बनाए, जो इन्होंने गेम बनाया था उसके रूल इन्होंने बना दिए थे। अब ये रूल प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, मगर ये 13 रूल उस टाइम के हैं जब जेम्स
नेस्मिथ ने इसकी खोज की थी या इस बास्केटबॉल गेम को बनाया था। द बॉल मे बी थ्रोन इन एनी डायरेक्शन विद वन आर बोथ हैंड, मतलब दोनों हैंड से बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। द बॉल मे बी बैटेड इन एनी डायरेक्शन, और बॉल को दोनों हैंड से किसी भी बॉल में बैटेड कर सकता है, मीन्स ड्रिबल टाइप का जो होता है उसको कर सकते हैं। द प्लेयर कैन नॉट रन विद द बॉल, और एक प्लेयर बॉल के साथ नहीं दौड़ सकता है। द प्लेयर मस्ट थ्रो इट फ्रॉम द स्पॉट टू विच ही कैच इट अलाउंस टू बी मेड फॉर अ मैन हु कैचेस द बॉल व्हेन रनिंग ए गुड स्पीड। अब बॉल को क्या करना था, टॉस करना था। टॉस करके जब बॉल जंप करते तो जो अच्छी स्पीड में दौड़ा बॉल को पकड़ के ड्रिबल करके किसी को पास करो या उसको थ्रो कर दो, ये इनका तरीका था। द बॉल मस्ट बी हेल्ड इन बिटवीन द हैंड्स, अब बॉल को अगर रोकना था तो दोनों हाथ के बीच में रोकना था, शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट उसमें टच ना हो और बॉल को होल्ड ना किया जाए। नो शोल्डरिंग होल्डिंग पुशिंग ट्रिपिंग और स्ट्राइकिंग इन एनी वे द पर्सन ऑफ एन अपोनेंट शैल बी अलाउड। अब किसी भी अपोनेंट को ये अलाउड नहीं था कि बॉल को शोल्डर से हिट करे या होल्ड करे या पुश करे या बॉल को ट्रिपिंग करे या स्ट्राइकिंग करे, तो ये किसी भी अपोनेंट को अलाउड नहीं था, ना ही किसी एक टीम को दूसरी टीम के लिए अलाउड किया गया था। द फर्स्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस रूल बाय एनी पर्सन सेल, अब जो ये रूल इन्होंने बनाए थे जिसमें कि शोल्डरिंग होल्डिंग पुशिंग ट्रिपिंग एंड स्केटिंग थी, अगर ये कोई फॉलो नहीं करता था तो उसको फाउल काउंट किया जाता था और सेकेंड फाउल पर ये क्या करते थे, डिसक्वालीफाई कर देते थे, और अगर सेकेंड के बाद भी अगर आप कंटिन्यू उसका फाउल कर रहे थे तो क्या करते थे, अपोनेंट को एक पॉइंट दे देते थे। और इसमें इन्होंने ये चीज़ बनाया था कि किसी भी गेम में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, मीन्स अगर 5 प्लेयर खेल रहे हैं तो 5 प्लेयर ही खेलेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा। आपके टाइम में सब्स्टिट्यूशन में हमको 7 प्लेयर मिल जाते हैं। और स्ट्राइकिंग के बारे में जैसा कि रूल 3rd एंड 4th में बताया गया है और 5th में इसको एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, इफ आइदर साइड मेक्स 3 कंसेक्टिव फॉल्स इट शैल काउंट टू बी गोल फॉर अपोनेंट, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि कंटिन्यू अगर 3 फाउल आपने कर दिए तो अपोनेंट को एक पॉइंट मिल जाता था गोल के लिए। ए गोल शैल बी मेड व्हेन द बॉल इज थ्रोन और बैटेड फ्रॉम ग्राउंडेड इनटू द बास्केट एंड स्टेज देयर, अब बॉल को बास्केट में डालना होता था, चाहे आप ग्राउंड से डालें या बैटेड मीन्स टॉस करके डालें, अगर बॉल बास्केट में चली गई तो आपको एक गोल मिल जाता था या पॉइंट मिल जाता था। ये रूल था, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। अब जो नेक्स्ट 9th रूल इनका था, द थ्रोअर इन इस अलाउड 5 सेकेंड, अब बॉल जिसके हैंड में या जो थ्रो कर रहा है वो 5 सेकेंड के अंदर अपने हैंड से बॉल को रिलीज कर दे, अगर उसने ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड कर लिया तो बॉल अपोनेंट को देनी पड़ती थी, जैसा यहाँ लिखा है इफ़ ही होल्ड इट लॉन्गर इट सेल गो टू द अपोनेंट। अब 10th रूल में इन्होंने क्या बताया, द अंपायर सेल बी द जज ऑफ द मैन एंड सेल नोट द फाउल एंड नोटिफाई द रेफरी वेन 3 कंसेक्टिव फाउल्स हैव बिन मेड, और जब भी 3 फाउल होते थे लगातार होते थे तो इसके बारे में अंपायर या रेफरी नोट डाउन करते रहते थे। 11th में बताया गया रेफरी सेल बी द जज ऑफ द बॉल, अब रेफरी ही बॉल को जज करते थे कि गेम कैसा चल रहा है, बॉल कैसे जा रही है। वेन द बॉल इज इन प्ले इन बाउंस, की बॉल प्ले में है या बाउंस कर गई है। गोल्स विद द एनी अदर ड्यूटीज दैट आर यूजली परफॉर्म बाय अ रेफरी, अब ये मान के चलो उस टाइम जो गेम होता था उसमें सारी जिम्मेदारी रेफरी की ही होती थी कि गोल हो रहा है या और तरीके की कोई ड्यूटी हुई तो ये सब ड्यूटी होती थी रेफरी की। द टाइम सेल वे 15 मिनट हाफ विथ 5 मिनट रेस्ट बिटवीन, अब होता क्या था 15 मिनट का हाफ होता था और 5 मिनट का रेस्ट बीच में दिया जाता था। द साइड मेकिंग द मोस्ट गोल इन द टाइम सेल बी डिक्लेयर्ड द विनर, अब एक निश्चित टाइम के अंदर जो साइड सबसे ज़्यादा गोल कर लेती थी उसको विनर घोषित कर दिया जाता था। इन द केस ऑफ ए ड्रा द गेम में बाय एग्रीमेंट ऑफ द कैप्टन बी कंटिन्यूड अंटिल अनदर गोल इज मेड, अब अगर मान लो गेम ड्रा हो गया, 10-10 अंक दोनों के हो गए और ड्रा हो गया तो इसमें क्या है, दोनों कैप्टन मिल के एग्रीमेंट कर लेते थे कि गेम को आगे चलाना है कि नहीं चलाना है या नेक्स्ट गोल जब तक नहीं होगा तब तक गेम चलेगा और नेक्स्ट गोल जिसका होगा वो विनर हो जाएगा ऐसा। अब फर्स्ट बास्केटबॉल गेम कैसे हुआ ये जान लेते हैं, अब इसमें आपको पता चलेगा कि बास्केटबॉल को बास्केटबॉल क्यों कहा गया। द फर्स्ट बास्केटबॉल गेम ऑन December 21, 1891 नेम्स स्मिथ पब्लिश रूल फॉर ए न्यू गेम यूजिंग 5 बेसिक आइडियाज एंड 13 रूल्स, अब 1891 दिसंबर 21 को इन्होंने कुछ न्यू गेम्स बनाए जिसमें कुछ 13 रूल भी थे और कुछ नए आइडियाज थे जिसमें कि बेसिकली 5 बेसिक आइडिया थे जो कि इन्होंने शामिल किया। द डे ही आस्क हिज क्लास टू प्ले मैच
इन द आर्मोरी स्टेट कोर्ट, और उस दिन आर्मोरी स्टेट कोर्ट में गेम खेलने के लिए बोला गया था 9 वर्सेस 9 यूजिंग ए ससर बॉल ऑफ 2 पिच बास्केट। तो इन्होंने ये बोला नौ नौ स्टूडेंट्स को ससर बॉल के साथ पिच बास्केट में ये गेम खेलना है, मगर उस टाइम तक गेम का डिसीजन नहीं होता कि गेम का नाम क्या है। तो इनके यहाँ एक फ्रैंक मोहन नाम का एक स्टूडेंट था जो इससे हैप्पी नहीं था या इससे खुश नहीं था। वो ये चाहता था कि हरूप नाम का एक गेम होता है जो खेला जाए, हरूप अनादर न्यू गेम, समवन प्रपोज टू कॉल इट नेम स्मिथ गेम, और जबकि किसी ने कहा कि वो गेम नहीं, अब इस गेम को ही जो पीच वाला और सॉसर के साथ खेला जा रहा है इसको नेम स्मिथ गेम बोला जाना चाहिए। वी हैव ए बॉल एंड बास्केट, वाई डोंट वी कॉल इट बास्केटबॉल, बट नेम स्मिथ ने सजेस्ट किया कि जब हमारे पास एक बास्केट है और एक बॉल है तो हम इसको बास्केटबॉल क्यों नहीं कहते हैं। तो तब से ये बास्केटबॉल गेम के नाम से फेमस हो गया। अब देखते हैं नीचे बाकी काफ़ी चीज़ें दी हैं, आप देख सकते हैं। अंटिल ए स्मॉल होल वाज पुट इन द बॉटम ऑफ द पिच बास्केट टू पोक द बॉल आउट यूजिंग ए स्टिक, ये मैंने आपको पहले बता दिया, जब पीच बास्केट को बालकनी में लटका दिया गया है, हैंग कर दिया गया, तो बॉल उसमें जाती थी, फंस जाती थी, उसको उठाने के लिए एक बच्चा लेडर से जाता था और बॉल उठा के नीचे लाता था। तो उन्होंने क्या किया, जो पीच बास्केट थी उसके बॉटम में एक होल बना दिया जिससे कि बॉल नीचे गिर जाए। तो अब होल बनाने के बाद बॉल बास्केट में जैसे ही जाती थी वो नीचे गिर जाती थी। और इससे पहले इन्होंने क्या किया था, उस बास्केट के बॉटम में एक छोटा सा छेद बनाया था जिसको ये स्टिक से पुल कर देते थे, अगर बॉल बास्केट में गई है तो इन्होंने क्या किया, बॉटम में स्टिक से पुल किया और बॉल निकल के बाहर आ जाती थी। तो इसके बाद इन्होंने वो बॉटम का जो छोटा सा होल था उसको उन्होंने पूरा सा बड़ा कर दिया था जिसके बाद ये बॉल अपने आप बॉटम से निकल जाती थी। अब 1894 सासर बॉल को रिप्लेस्ड कर दिया गया था और फिर इन्होंने एक बॉल बनाने के लिए बोला था, फिर उस बॉल को ही इन्होंने बास्केटबॉल के रूप में दर्जा दे दिया। इन 1894 द सॉसर बॉल वाज रिप्लेस्ड बाय अ बॉल नेम स्मिथ कॉन्ट्रैक्टेड स्पॉल्डिंग टू मेक मिस, वो जो सॉसर की बॉल थी उसको इन्होंने चेंज किया था। अब ये बास्केटबॉल का गेम फैला कैसे, तो बास्केटबॉल का गेम जो फैला था वो YMCA हैड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग बास्केटबॉल थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट कनाडा एंड वर्ल्ड इन 1893। 1893 में बास्केटबॉल का गेम ज़्यादा तेजी से फैला था और इसको फैलाने का जो रोल जाता है वो YMCA को जाता है, कि इन्होंने बास्केटबॉल को यूनाइटेड स्टेट कनाडा और पूरे वर्ल्ड में फैलाया। अब कैसे फैलाया ये भी इसकी एक कहानी है। अब इस गेम को किसने फैलाया, एट द सेम टाइम बॉब गैले बेंट टू टेंस्टिन चाइना और डक्कन पैटर्न टू इंडिया, मतलब बॉब चाइना का और डक्कन पैटर्न इंडिया है, गेंजा बारो इसकावा टू जापान, और गेंजा बावो इसकावा थे वो जापान, एंड सी हरिक टू पर्सिया, और सी हरिक ने इसको पर्सिया में फैलाया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, और उस समय यूएस आर्मी लड़ाई कर रही थी यूरोप के साथ 1917 में। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर अमेरिकन फोर्स टूक बास्केटबॉल वेर एवर इट वेंट। अब इन्होंने क्या किया, जब इनकी लड़ाई चल रही थी 1914 में, सॉरी 1917 में अमेरिका और यूरोप के बीच, तो इन्होंने अमेरिकी जो सैनिक थे इन्होंने इस बास्केटबॉल गेम को खेलना चालू किया और इसको सब जगह फैलाया, जहाँ भी ये गए इन्होंने बास्केटबॉल खेला और लोग इसके बारे में जानने लग गए। टुगेदर विद द ट्रूप्स देयर वर 100 ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर हु न्यू बास्केटबॉल। अब यहाँ पर 100 के आसपास फिजिकल टीचर भी थे जिन्होंने बास्केटबॉल के बारे में जाना। नेम स्मिथ आल्सो स्पेंड 2 ईयर्स विद द YMCA इन फ्रांस इन दैट पीरियड, और उस टाइम नेम स्मिथ जो बास्केटबॉल के ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी 2 साल फ्रांस में गुजारे और वहाँ पर इस चीज़ की स्थापना की, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी। तो इस तरीके से YMCA और अमेरिकन फौज ने, US आर्मी ने इस बास्केटबॉल गेम को ज़्यादा फैलाया, जहाँ जहाँ वो रुकते थे वहाँ वहाँ ये गेम खेला जाता था, तो लोगों में इंटरेस्ट बढ़ जाता था। अब नीचे देखते हैं अर्ली प्रोफेशनल लीग्स टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने, कुछ लीग्स खेले गए, इसके बारे में जानेंगे। प्रोफेशनल लीग्स वाज फाउंडेड इन 1898, जो प्रोफेशनल लीग खेली गई थी वो 1898 में खेली गई थी। सिक्स टीम टुक पार्ट इन द नेशनल बास्केटबॉल लीग, और इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। बाकी सारा दिया है आप देख सकते हैं। इन 1922 द फर्स्ट ऑल अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेशनल टीम वॉज फाउंडेड, और 1922 में पहली बार अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेशनल टीम का गठन हुआ था, और उस टाइम जब ये मैच हुआ था तो इसकी कॉस्ट करीब लगभग $1 के आसपास पहुंच गई थी जो टिकट था इसका। वर्ल्ड प्रोफेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट
1939 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर कुछ अमेरिकन बास्केटबॉल लीग की स्थापना 1925 में हुई है और मेट्रोपॉलियन बास्केटबॉल लीग की स्थापना 1921 में हुई है। तो यहाँ पर यह सब आप देख सकते हैं दिया गया है। ईस्टर्न बास्केटबॉल लीग की स्थापना 1909 में हुई थी। तो ये काफ़ी सब चीज़ें दी हैं, ये आ सकती हैं क्वेश्चन पेपर में। बास्केटबॉल इन अमेरिकन कॉलेज, अब अमेरिका के कॉलेजों में जो बास्केटबॉल हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो अमेरिका के कॉलेज में बास्केटबॉल कैसे हुआ इसके बारे में मुझे लगता है ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नीचे, फर्स्ट इंटरनेशनल गेम्स को देख लेते हैं। इन 1909 द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वॉज हेल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग, मयंग सेंट पीटर्सबर्ग बीट ए वाईएमसीए अमेरिकन टीम। अब 1909 में एक इंटरनेशनल मैच हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग वर्ग में। अब इस मैच में मयंक सेंट पीटर्सबर्ग की टीम ने वाईएमसीए अमेरिकन टीम को हरा दिया। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि पहला गेम 1909 में हुआ था जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में खेला गया था, जिसमें मयंक सेंट पीटर्सबर्ग की टीम ने वाईएमसीए अमेरिकन टीम को हरा दिया था। ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल गेम्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाकी यहाँ काफ़ी कुछ दिया है इसको आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में आ सकती है उसी पर ही बात करेंगे। आप यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ फीवा, जो बास्केटबॉल की मेन ऑर्गेनाइजेशन है फीवा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बास्केटबॉल की कोई भी रिसर्च या किसी भी जानकारी के लिए आप फीवा की वेबसाइट पर ही जाएं, तो वहाँ आपको बास्केटबॉल की सारी जानकारी मिलेगी। वर्ल्ड बास्केटबॉल वॉज ग्रोइंग बट इट वॉज ऑन जून 18, 1932 दैट अ रियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म टू कोऑर्डिनेट टूर्नामेंट एंड टीम्स। तो 18 जून 1932 में एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि बेहद ही प्रभावशाली थी, और इसमें 8 इंटरनेशनल फेडरेशंस ने पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 8 नेशनल फेडरेशंस। अब इसमें 8 नेशनल फेडरेशंस ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि अर्जेंटीना की थी, ग्रीस, इटली, लातविया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोविया। तो इन 8 नेशनल फेडरेशन ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसको फीवा बोला जाता है, जो कि जिनेवा में हुई थी। इट्स वर्क वाज फंडामेंटल फॉर द फर्स्ट इंक्लूजन ऑफ बास्केटबॉल इन द बर्लिन ओलंपिक्स गेम्स इन 1936। अब जब फीवा की स्थापना हुई तो उसके बाद फिर 1936 बर्लिन गेम्स में बास्केटबॉल को सम्मिलित किया गया। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल जो पहला आया वो बर्लिन गेम्स में आया 1936 में, और 1936 में जब बास्केटबॉल शामिल किया गया था तो फर्स्ट ओलंपिक टाइटल वाज वन द यूएस नेशनल टीम। तो यूएस की जो नेशनल टीम थी उसी ने फर्स्ट टाइटल ये जीता था बास्केटबॉल का, और जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन अर्जेंटीना इन 1950, और 1950 में फर्स्ट बास्केटबॉल की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी अर्जेंटीना में, ये भी ध्यान रखिएगा 1950। एनबीए की स्थापना कब हुई ये बताया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। एज ऑफ द अर्लीस्ट अर्ली 21st सेंचुरी द एनबीए इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी। 21वीं सेंचुरी में एनबीए जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल बास्केटबॉल की लीग होती थी वो ज़्यादा पॉपुलर हुई। अब ये पॉपुलर क्यों हुई, इसकी वजह थी कुछ प्लेयर और प्लेयर को मिलने वाली सैलरी। मैनी रूल्स चेंज हैव अकर्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल, और इसमें बहुत सारे रूल्स भी चेंज हुए जो कि प्रोफेशनल बास्केटबॉल में होने चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ रूल चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ आपने देखा एनबीए के बारे में, और बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका बीएए जो कि जून 6, 1946 में बना। और एक चीज़ यहाँ पर और दी गई है, फाइनली द एनबीए इंट्रोड्यूस द 3-point line इन द 1979 to 1980 सीजन, कि जो एक 3-point line बनी होती है इसके पीछे से बॉल को अगर आप शूट करते हैं बास्केट में तो आपको 3 point मिलता है। ये 1979 और 1980 के सीजन में इसको बताया गया, और इसके बाद ये सारे सारे प्लेयर्स को पता लगा, फिर धीरे धीरे सबको इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर एनबीए के बारे में बताया गया कि कैसे एनबीए बना और क्यों पॉपुलर हुआ, मॉडर्न डे एनबीए। अब मॉडर्न डे एनबीए के बारे में बात करेंगे।
द NBA हैज हेल्प पॉपुलराइज बास्केटबॉल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे ही NBA बन गया तो NBA में क्या होता था, अच्छे प्लेयर आते थे बास्केटबॉल के, उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, अच्छी सुविधाएं मिलती थी, जिसकी वजह से बास्केटबॉल पूरे दुनिया में फेमस होने लगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे साल बदलते गए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। अब इसमें फेमस होने का मेन कारण क्या था, इट वॉज बिकॉज ऑफ द प्लेयर माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन की एंट्री हुई, जो उस टाइम के बहुत ही फेमस प्लेयर हुआ करते थे बास्केटबॉल के। NBA में माइकल जॉर्डन की एंट्री हो गई तो बास्केटबॉल इंटरनेशनल ऑडियंस जो हुआ करती थी वो NBA को देखने लग गई, NBA में इंटरेस्ट लेने लग गई। 1992 यूनाइटेड स्टेट मेंस ओलंपिक बास्केटबॉल टीम नोन एज द ड्रीम टीम, और उस समय 1992 की जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो मेन टीम ओलंपिक बास्केटबॉल टीम थी उसको लोग ड्रीम टीम के रूप में मानते हैं कि ये ऐसी बेहतरीन टीम थी कि इसको हराना लगभग मुश्किल था। और इसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर आए, जैसे कि शैकलेन ओनील आए, कोबे ब्रायंट आए, ये 2002 में ऐसे प्लेयर्स लॉस एंजल्स लेकर्स को मिल गए जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी NBA में और बढ़ती चली गई। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आए इस गेम ऑफ बास्केटबॉल बाज लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स में आने के बाद तो उस समय 2003 में ये NBA पूरे पीक पर पहुंच चुका था, बाकी देखते हैं नीचे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है देर है मैनी इंटरनेशनल प्लेयर हु हेल्प ग्लोबलाइज द गेम। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयरों ने इस गेम को फेमस किया, ग्लोबलाइज किया पूरे वर्ल्ड में। अब इसमें एशिया में गेम कैसे आए इसके बारे में बता दें, याओ मिंग करके एक चाइनीज प्लेयर हुआ करते थे जिनकी वजह से ये एशिया में फैला। ही वॉज द फर्स्ट इवन चाइनीज प्लेयर टू बी सिलेक्टेड विद द नंबर वन ओवरऑल पिक इन 2002 बाय द हॉस्टन रॉकेट। अब हॉस्टन रॉकेट से एक वहाँ की टीम हुआ करती थी 2002 में, जिसमें ये याओ मिंग को सेलेक्ट कर लिया गया था। हिज प्ले एंड परफॉर्मेंस इन द NBA ब्रॉट अटेंशन इन टू बास्केटबॉल इन एशियन कंट्रीज। अब इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि NBA भी एशियन कंट्रीज में बास्केटबॉल को काफ़ी अच्छा ज़्यादा फोकस मिलने लगा NBA के थ्रू। आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि एशियन कंट्रीज में NBA की प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, किसकी वजह से, याओ मिंग जो कि चाइनीज प्लेयर हुआ करते थे, तो इनकी वजह से ये एशिया में गेम फैल गया। अब अमेरिकन बास्केटबॉल एसोसिएशन, द अमेरिकन बास्केटबॉल एसोसिएशन ABA वॉज फाउंडेड एज एन अल्टरनेटिव टू द NBA इन 1967। अब ABA की स्थापना 1967 में हुई थी और NBA वाज एक्सपीरियंसिंग ए लॉट ऑफ पॉपुलरिटी। उस टाइम तक NBA ने बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर ली थी। कलर ऑफ द बॉल रेड व्हाइट एंड ब्लू, उस टाइम जो बॉल का कलर हुआ करता था रेड होता था, व्हाइट और ब्लू हुआ करता था। द मैनर्स ऑफ प्ले, वाइल्ड प्रमोशन और थ्री पॉइंट शॉट। अब उस समय इसका प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा खासा हो रहा था, गेम्स के रूल्स भी समझ में आ गए थे, थ्री पॉइंट जो शॉट होता है उसके बारे में लोगों को पता चल चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा था लोगों को बास्केटबॉल में। तो इस तरीके से अमेरिकन बास्केटबॉल भी इसमें जब ऐड हुआ तो NBA पहले से ही फेमस था और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इसके बाद अफ्रीकन अमेरिकन इन बास्केटबॉल, इसके बाद अफ्रीका और अमेरिका एक साथ बास्केटबॉल में आ गया, तो इसमें क्या यहाँ पर दिया गया है, ऑल ब्लैक बास्केटबॉल टीम्स ब्लैक फाइव्स वर एस्टेब्लाइज इन 1904। ऑल ब्लैक्स मीन्स उसमें सारे के सारे ब्लैक फाइव ही हुए, जिनको कि 1904 में एक टीम बनी जिसमें पांच के पांच प्लेयर ही ब्लैक थे। मीन्स ब्लैक को आप इस तरीके समझ सकते हैं कि काले लोग, अफ्रीकन लोग, अमेरिकन और अफ्रीकन की जो टीम बनी थी वो फाइव ब्लैक की टीम बनी थी। और ये टीम में जो ब्लैक लोग आए थे वो कहाँ से थे, जिसको फाइव ब्लैक इरा बोलते थे, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी के थे, वाशिंगटन के थे, शिकागो थे, पीटर्सबर्ग, फिलिपिनिया और ये क्लीवलैंड और अदर सिटीज़ के जो लोग थे वो सारे आए थे। तो यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें देख ली, फाइव ब्लैक की एक टीम बनी थी 1904 में जिसमें काफ़ी देशों से लोग सम्मिलित हुए थे। अब हम लोग देख लेते हैं ओलंपिक बास्केटबॉल। बास्केटबॉल वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स नेस्मिथ एंड स्प्रिंग फील्ड मैसाचुसेट इन 1890, ये सब आप सबको पता। विद इन अ फ्यू डिकेट्स द न्यू गेम बिकम्स पॉपुलर थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट एज ए इंडोर स्पोर्ट्स। तो ये 1891 में गेम आया और इसके बाद ये पूरे यूनाइटेड स्टेट में इंडोर गेम्स के नाम से फेमस हो गया। अब इसकी पॉपुलरिटीज थी जो सारी दुनिया में फैल गई। अब इसकी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन बनी फीबा, जिसका और जो कि ऑर्गेनाइज हुई 1932 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक बास्केटबॉल टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज इन 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। तो 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में बास्केटबॉल का पहला टूर्नामेंट हुआ।
और यह हुआ था टेनिस कोर्ट पर। द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इंडोर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1948। अब ये जो पहला 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स हुआ था बास्केटबॉल टूर्नामेंट का, इसको किया गया था टेनिस कोर्ट पर। 1948 में फर्स्ट टाइम इंडोर टूर्नामेंट किया गया। अमेरिकन टीम प्रूव इट डोमिनेंस विनिंग द फर्स्ट 7 ओलंपिक टूर्नामेंट्स थ्रू 1968। अब 1968 तक जो 7 टूर्नामेंट हुए वो अमेरिकन टीम ने जीता, तो उन्होंने ये बता दिया कि उनकी टीम कितनी बेहतरीन टीम है, जबकि पहली बार उनकी टीम अमेरिकन टीम सेंट पीटर्सबर्ग से हार गई थी। द यूएस विनिंग स्ट्रेक एंडेड इन 1972 इन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच इन हिस्ट्री व्हेन द सोवियत यूनाइटेड बीट देम इन द गोल्ड मेडल गेम बाय 1 पॉइंट। अब हिस्ट्री का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल गेम हुआ बास्केटबॉल का, जिसमें कि सोवियत यूनाइटेड की टीम ने अमेरिका की टीम को हरा दिया है। ये 1972 की बात है। इसमें जो हारने वाली टीम थी वो 1 पॉइंट से हारी, तो ये मेन कंट्रोवर्शियल गेम हो गया। तो इस तरीके से फिर अमेरिका की टीम सोवियत यूनियन से 1972 में हार गई थी, तो जो उनका विनिंग स्ट्रेक था वो भी टूट गया, विनिंग रिकॉर्ड भी खराब हो गया। द यूएस वॉन अगेन इन 2016, जबकि अमेरिका की टीम ने फिर से 2016 में जीत लिया, डिफीटिंग द सर्बियंस। सर्बिया की टीम को हराकर गोल्ड मेडल फिर इसका जीत लिया। 2014 में जो फीवा बास्केटबॉल का जो मैच करवाया गया था वर्ल्ड कप फाइनल का, वो दोबारा से मैच हुआ था। इसमें क्या किया था, आफ्टर एलिमिनेटिंग द स्पेनी आर्ट्स हु सेटल्ड फॉर ब्रॉन्ज, इसमें एक टीम हुआ करती थी स्पेनी आर्ट्स की, जिसको एलिमिनेट होना पड़ा था, मगर फिर भी उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ये हिस्ट्री थी कुछ बास्केटबॉल की। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ओलंपिक में बास्केटबॉल कब आया, बास्केटबॉल की स्थापना कब हुई। तो 1936 बर्लिन में ओलंपिक्स बास्केटबॉल की स्टार्टिंग हुई, जो टेनिस कोर्ट पर खेला गया, और 1948 में इसको इंडोर खेला गया। अफ्रीकन अमेरिकन इन बास्केटबॉल, तो अफ्रीकन अमेरिकन की जो टीम बनी बास्केटबॉल की, ब्लैक फाइव की टीम बनी, जिसमें कई देशों से लोग आए थे। अमेरिकन बास्केटबॉल की स्थापना हुई 1967 में, जिसको ABA बोला गया, मॉडर्न डे NBA। तो मॉडर्न डे के बारे में भी बता दिया गया कि मॉडर्न डे में कैसे माइकल जॉर्डन आए, फिर ओनील आए, कोबे ब्रायंट आए, इन सब लोगों ने जैसे ही NBA को ज्वाइन किया तो NBA काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि ये सब बास्केटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हुआ करते थे। और बाकी यहाँ पर NBA के बारे में भी आपको बता दिया कि कैसे NBA बना और कैसे फेमस हुआ। और यहाँ पर आपको फॉर्मेशन ऑफ फीबा बताया गया कि फीबा कैसे बना, कि जून 18, 1932 में आठ देशों की फेडरेशन इसमें शामिल हुई, उसके बाद ही फीबा का निर्माण हुआ और 1936 में बर्लिन गेम खेला गया, जो 8 देश शामिल हुए थे उनको मिलाकर। और 8 देश कौन से थे ये सब यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल गेम्स कब हुआ था, 1909 में फर्स्ट इंटरनेशनल मैच हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मयंक सेंट पीटर्सबर्ग की टीम ने YMCA अमेरिकन टीम को हरा दिया था। बास्केटबॉल अमेरिकन कॉलेज में कब आया ये यहाँ पर दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल लीग स्विंग कब स्टार्ट हुई इनके बारे में यहाँ बताया गया, तो ये 1898 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल बास्केटबॉल लीग के नाम से। और US की आर्मी ने इसको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फैलाया, जहाँ जहाँ वो लोग गए उन्होंने इस गेम को काफ़ी ज़्यादा फैलाया, और इसको फैलाने के से YMCA को भी जाता है। बाकी यहाँ पर जैसा दिया गया बास्केटबॉल फर्स्ट गेम कब हुआ था, तो फर्स्ट गेम के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर जो 13 रूल्स हैं उसके बारे में भी बताया गया है, गेम का इन्वेंशन कैसे हुआ था वो भी बता दिया गया है, जो कि अर्ली हिस्ट्री में आता है। और हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल कुल मिला के यहाँ पर सारी चीज़ बताने की कोशिश की गई है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।